हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत हेल्दी कुकी या शॉर्ट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री है, तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ मैं बाजरे का आटा ले रही हूँ और पाउडर गुड़ ले रही हूँ। नॉर्मल गुड़ को भी आप मिक्सी में डालकर पाउडर बना सकते हैं। मिल्क पाउडर, आलमंड फ्लावर ले रही हूँ, या फिर आप ओट्स को भी, नॉर्मल ओट्स को मिक्सी में डालकर पाउडर बना के ले सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मेल्टेड बटर मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो मेल्टेड घी या ऑयल ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बार में बटर डालकर मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गया, लास्ट में थोड़ा बटर बचा है, मैं वो भी डालकर और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं वैनिला एसेंस ले रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं या फिर एसेंस नहीं भी डाल सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये दूध ले रही हूँ, एक चम्मच मैं दूध लेकर एक सॉफ्ट डो बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लगता है दूध तो आप एक चम्मच और एक्स्ट्रा लेकर सॉफ्ट डो बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चम्मच ही ली हूँ और ये काफ़ी अच्छा डो रेडी हो गया है। ये देखिए, सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अभी मैं इसको कवर करके रेफ्रिजरेटर में 10-15 मिनट्स के लिए रख दूँगी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छा डो रेडी हो गया है। एक कुकी ट्रे में मैं ग्रीस, ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। ये बटर पेपर का सब्स्टिट्यूट है, आप चाहे तो बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा कुकी डो ले रही हूँ और इसको लॉक का शेप मैं दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, स्क्वायर शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप जो आपको ईजी लगे। और कोशिश करेंगे कि कोई एक भी क्रैक ना रहे, सारे क्रैक्स को कवर कर लूँ। ये बहुत ही हेल्दी कुकीज़ या शॉर्ट केक बोल सकते हैं, तो ये आप किड्स पार्टी में भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये सारे क्रैक्स मैं कवर कर रही हूँ, हल्के हाथ से क्रैक्स को कवर कर लेंगे। इतनी थिकनेस हम लोग रखेंगे। अभी एक एक करके कुकीज़ ट्रे में सारे को अरेंज कर लेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे और 180 डिग्री प्री हीट कन्वेक्शन मोड पर इसको बेक करेंगे। बेक होने के बाद इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे। यहाँ मैं मेल्टेड चॉकलेट ले रही हूँ, नॉर्मल चॉकलेट को मैं माइक्रोवेव में 30 सेकेंड डालकर मेल्ट कर ली हूँ और एक पाइपिंग बैग में डालकर इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं सारे कुकीज़ में डिफरेंट पैटर्न बना रही हूँ, जिससे क्या है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ऊपर चॉकलेट डालने से क्या है ना, बच्चे बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। ये मैं शुगर स्प्रिंकल से गार्निश कर रही हूँ कुछ में, और कुछ में क्रश्ड पिस्ताचियो है उससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, आलमंड, कैश्यू नट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।